Hi, let's start solve this question. Basically, this is a question of JEE 2020 and this is a very simple question. Okay, so we have asked about the oxidation state of iron atoms in A, B, C respectively are X, Y, Z and the sum of X, Y, Z is. Okay, so हमारे पास जो A compound है वो A है, A B है आपका और ये वाला C है, ठीक है. अब इसके लिए हमें क्या निकालना है, इसका ऑक्सीजन स्टेट किसका, Fe का, ठीक है. कैसे निकालेंगे, सोडियम, सोडियम कैसे आपका फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन में कितना होगा, वन, तो फोर इंटू वन प्लस एफ ई को हम लोग यहाँ क्या मान लेंगे, एक्स, ठीक है. सी एन कैसे आपका मोनोडेंटेट लिगेंड है लेकिन नेगेटिव लिगेंड है तो यहाँ क्या हो जाएगा, फाइव इंटू माइनस वन प्लस एन ओ एस. एन ओ एस क्या होता है, वो भी क्या नेगेटिव लिगेंड है, वो भी मोनोडेंटेट है, इक्वल टू क्या जाएगा, जीरो. क्यों, यहाँ पे कोई भी चार्ज, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है इसलिए ये क्या होगा, जीरो. तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से देखते हैं, x प्लस फोर माइनस फाइव माइनस वन इक्वल्स टू जीरो. एक्स की वैल्यू यहाँ आ रही है क्या, टू, ठीक है. अब आते हैं हम लोग सेकेंड वाले बी पे. बी में क्या है हमारा, बी में भी सेम किसी तरीके से है, फोर प्लस एफ ई को यहाँ क्या मानना है, हमें मानना है वाई, ठीक है. फोर प्लस वाई, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है माइनस टू तो हो जाएगा फोर इंटू माइनस टू इक्वल्स टू जीरो. जीरो इसलिए क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है. तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई प्लस फोर माइनस एट इक्वल्स टू जीरो, तो वाई की वैल्यू आ गई फोर, ठीक है. अब आते हैं हम लोग सी पे. सी में क्या है हमारा, एफ ई को हमने क्या मानना है, जेड, तो क्या हो जाएगा, टू जेड प्लस कार्बोनिन. कार्बोनिन कैसे होता है हमारा, न्यूट्रल लिगेंड, तो यहाँ जाएगा नाइन इंटू जीरो इक्वल्स टू जीरो, तो जेड की वैल्यू क्या आ गई, जीरो, ठीक है. और हमसे क्या पूछा है, सम ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा कि टू प्लस फोर प्लस जीरो इक्वल्स टू सिक्स. और एक इंडिया टाइप क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या होगा, सिक्स. ओके, थैंक यू.